तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। और आज का जो टॉपिक है हमारा पिवट टेबल का टॉपिक है, और हम पिवट टेबल के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पिवट टेबल का यूज कैसे करते हैं और क्या इसका बेनिफिट है। तो पिवट टेबल, देखिए पिवट टेबल आपकी ऑफिस की 60% रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए कैपेबल है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो रिपोर्ट, चाहे जो भी रिपोर्ट बनाते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है समरी ऑफ द डेटा। उसको किसी न किसी एंगल पर डेटा को समराइज किया जाता है, और पिवट टेबल का यूज भी होता है डेटा को समराइज, एनालाइज एंड रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए 60-70% रिपोर्ट्स को पिवट टेबल हम आपकी रिपोर्ट को बना सकता है। और यही नहीं, आप रिपोर्ट को पूरी तरह ना बनाएगा तो कुछ परसेंट तक आपकी रिपोर्ट को बना सकता है। ठीक है, ओके सर। पिवट टेबल इसके लिए आपका यूज किया जाता है। अब इस चीज को जानते हैं कि पिवट टेबल लगाने से पहले आप देख लीजिए कि आपका डेटा क्या है। तो आपके सामने एक सेल्स का डेटा है, सेल्स आईडी है, डेट है, सेल्स मोड है, कस्टमर की आईडी है, कस्टमर नेम है, कौन सा स्टेट और सिटी है, प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी, अमाउंट है, टोटल है, टैक्स है, ग्राउंड टोटल है, इसके लिए कितने टॉल कितने कॉल्स किए गए हैं और किस साइट से सेल हुआ है। सिंपल सा, ओके। और इसमें आप देख, इसमें एक चीज हो गई, तो एक चीज इसमें देख लीजिए कि आपके हेडिंग सारे होने चाहिए, क्योंकि पिवट टेबल हेडिंग के अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए आपके डेटा में हेडिंग मिसिंग नहीं होनी चाहिए, हेडिंग तो होनी ही चाहिए। उसके बाद नीचे जो ब्लैंक रो है हमारा, इस तरह से कोई ब्लैंक रो अगर डेटा में है तो आपको डेटा को सिलेक्ट करके पिवट लगाना चाहिए। डेटा को सिलेक्ट करके पिवट लगाना चाहिए अगर आपके डेटा में पूरी तरह से ब्लैंक रो हो गए तो। इसका ध्यान रखिएगा, ओके। ठीक है, पूरी तरह से मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ब्लैंक रो है कहीं एक जगह पे लिखा हुआ है तो नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, ये कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग चलता है। कंट्रोल ए आप करते हो तो पूरा डेटा सिलेक्ट करता है। अब मैं बीच में इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ यहाँ से, तो सिर्फ हमारा ऊपर का डेटा दिख रहा है, इतना ही डेटा चलेगा। इसका ध्यान आप रखिएगा। अब पिवट, चलिए इस पे पिवट टेबल लगाते हैं। पिवट टेबल लगाने से पहले यहाँ पे देखिए एक रिकमेंडेड पिवट टेबल है। रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या करता है कि आपको इस डेटा को समझता है और समझ कि इस पे पॉसिबिलिटी होने वाले पिवट को बताता है कि किस किस तरह के पिवट हैं। कितने तरह के पिवट बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं इस डेटा पे, ये आपको दिखाता है। और बस जो चाहिए उसको सेलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए यहाँ से। सर बाटम में ब्लैंक पिवट टेबल करके एक ऑप्शन है ना, वो क्या है सर? क्या बॉटम में ब्लैंक पिवट टेबल करके एक ऑप्शन दे रहा है? हाँ, तो इसलिए मान लीजिए ना कि आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं चाहिए तो यहाँ पे ब्लैंक पिवट टेबल जैसे नॉर्मल लगाते हैं उस तरह से आ जाएगा। आप अपने हिसाब से जो सिलेक्ट करना चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इधर से पिवट टेबल जाने के लिए, हाँ, जैसे वो पसंद नहीं हुआ तो डायरेक्ट जाने के लिए। हाँ, सही सही बोला। अब इसमें एक चीज होगी, अब इसमें क्या करना है हमें,
फिर रिपोर्ट को जनरेट करना है। तो रिपोर्ट बनाने का सिंपल तरीका है कि आप इन फीचर्स को उठा के इन चारों में कहीं रख सकते हैं। तो कहां रखेंगे ये डिपेंड करता है आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर। मान लीजिए मुझे इस डेटा में चाहिए टोटल सेल्स मोड बाय कितनी क्वांटिटी सेल हुआ है, सिंपल सा। तो हम क्या करते हैं, सेल्स मोड को उठा के रो में रखते हैं। हम रो में क्यों रखिए, हम कॉलम में भी रख सकते हैं, तो कॉलम बाय जाएगा, रो में रखेंगे तो रो बाय होगा। मतलब कि डेटा में आपका सेल्स मोड कई बार रिपीटेड है, बट यहां आप देखिए एक सेल्स मोड यहां पे एक ही बार आ रहा है आपके पिवट में, क्योंकि यहां पे समरी निकलता है, यूनिक यहां पे ऑटोमेटिकली यूनिक का लिस्ट निकाल देता है। उसके बाद यहां से मैं अगर क्वांटिटी को लिया और क्वांटिटी को मैं यहां वैल्यू में रखेंगे, क्यों, क्योंकि जिस पे आपको सम चाहिए, अमाउंट चाहिए, सिर्फ सम ही नहीं, इस पे डिफॉल्ट सम आ गया, क्यों, क्योंकि आपके नंबर में आपके डेटा में नंबर था, मतलब इस कॉलम क्वांटिटी कॉलम में नंबर था, इसलिए यहां पे सम ले लिया। अगर टेक्स्ट होता तो क्वांटिटी ले, काउंट लेता, काउंट ऑफ क्वांटिटी टेक्स्ट होता तो। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके आप अपने हिसाब से यहां पे चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप वो काउंट एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए, वही आपको यहां पर आएगा। ओके ओके सर, अब यहां पे करने के बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पे हम आपके समरी जनरेट हो गए, अब इसको, अब इसे रो लेवल है, क्वांटिटी है, मैं सबको चेंज करना चाहता हूं, तो रिपोर्ट में रो लेवल समझ में नहीं आएगी ना, तो यहां पे मैं यहां पे दे देता हूं सेल्स नोड, सम ऑफ क्वांटिटी है तो यहां पे दे दीजिए टोटल, टोटल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो स्पेस दे दीजिए तो यहां जाए। उसके बाद क्या है, अब इसकी फॉर्मेटिंग जो है यहां से आप कर सकते हैं, बट यहां से फॉर्मेटिंग करने के लिए हम आपको सलाह नहीं देंगे, ठीक है। तो कहां से कीजिएगा, तो यहां से क्यों नहीं देंगे सलाह, क्या दिक्कत है, तो दिक्कत ये है इससे यहां से दिक्कत ये है आपका कि यहाँ पे अगर आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो पिवट का पार्ट नहीं होता है। अगर टेबल अगर जो है अपना अपडेट डेटा अपडेट करती है, मतलब अपना डेटा अपडेट करेंगे तो ऊपर नीचे, तो ये अपने आप को अपडेट नहीं करेगा। तो कहां से करें, तो डिजाइन में चले जाइए, डिजाइन में यहां पे आपके सामने बहुत फॉर्मेट है वो ले लीजिए, अगर नहीं तो यहाँ पे पिवट टेबल न्यू स्टाइल में, अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर जाके अलग अलग यहाँ पे दिख रहा है ना, होल पिवट टेबल, पिवट टेबल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, उसको क्या क्या किस तरह की फॉर्मेटिंग करना है वो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ को लिया और पूरे को दिया और पिछले वाले को लिया और बीच में कर दिया, एंड अच्छा मैं सिलेक्ट नहीं, हाँ सिलेक्ट कर लीजिए, पिवट का इस तरह से फॉर्मेट, तो ये पिवट टेबल का पार्ट हो गया। कल के डेटा पिवट टेबल अपने आप को चेंज करेगा तो ये भी अपने आप को चेंज करेगा। अब बात आती है इस पे, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो बहुत सारे लोग इसको चार्ट में करते हैं, तो आप चार्ट भी यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट चार्ट, चार्ट में चार्ट आपका पिवट से लिंक्ड होगा, अगर पिवट कल के डेटा चेंज होता है तो बढ़ जाएगा चार्ट अपने आप। और यहाँ पे देखिए टोटल को इसने कंसीडर नहीं किया, नॉर्मल डेटा होता तो टोटल भी कंसीडर हो जाता, टोटल को कंसीडर नहीं किया, तो ये आपका रिपोर्ट हो गया, किसी को मेल कर सकते हैं।
अब चलिए पिवट टेबल के बारे में कुछ और तरीके से, अलग अलग तरीके से जानते हैं। तो पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं एंड हम यहाँ ओके करते हैं। अब मुझे जो रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट चाहिए क्वांटिटी का टोटल, अमाउंट नहीं मान लीजिए एमआरपी है, एमआरपी का एवरेज, क्वांटिटी का टोटल, एमआरपी का एवरेज, और किसके वाइज। तो मुझे चाहिए यहाँ नेम वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज। मैं इस पे पिवट टेबल बना, तो मान लीजिए मुझे नेम वाइज चाहिए तो मैंने नेम को यहाँ रखा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्वांटिटी उठाया यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे हमारी एमआरपी है, एमआरपी को रखा, लेकिन एमआरपी चाहिए तो मैं इस पे भी डबल क्लिक करने पर आ जाएगा। यहाँ पे एवरेज को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एवरेज और एमआरपी आ गया, बहुत सारे आ गया डेसिमल्स, तो आप यहाँ होम में जाके डेसिमल्स को कम या ज्यादा, ठीक है, हो गया। और ये आपके सामने, तो ये देखिए ये जो जैसे दो से ज्यादा कॉलम रखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू का कॉलम दिख जाए, मतलब कि जो वैल्यूज में रखी जा रही है कॉलम में आपको दिखेंगे। तो इस वैल्यूज को उठा के अगर आप नेम के अंदर रख दे तो ये आपका इस तरह से दिखेगा, हर नेम का सेपरेट सेपरेट आपके टोटल और एवरेज दिखेगा। अच्छा, तो आपको अगर इधर रखना है तो इस तरह से दिखेगा, इधर रखना है तो इस तरह से दिखेगा। अब जैसे मैंने बताया कि नेम वाइज और मुझे प्रोडक्ट वाइज चाहिए, तो प्रोडक्ट को आप यहाँ रो लेवल में रखेंगे तो इस तरह से डेटा आपको दिखेगा। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू मान लीजिए कि इसमें से मैं सिर्फ एमआरपी का एवरेज है, तो आप प्रोडक्ट को यहाँ भी रख सकते हैं। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, मैं एवरेज एमआरपी क्यों रखूंगा, एवरेज एमआरपी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रखने से दिक्कत क्या होगा कि इस तरह से हो जाएगा कि एक प्रोडक्ट हो गया, उसके दो दो पार्ट हो गया आपको यहाँ। यहाँ से मैंने जो एक कर देता हूँ इसको, यहाँ से इधर कर दिया, इस तरह से दिख रहा है आपको। इस पे अगर मैं इस पे फॉर्मेटिंग पावर टेबल डिजाइन में जाके और जो मैंने फॉर्मेटिंग डिजाइन की थी उसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, या फिर आप यहाँ वाला ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो इतना बेनिफिट नहीं होगा इसलिए हमने सिलेक्ट नहीं किया, ही कॉलम है। दूसरा चीज ये भी आता है कि मान लीजिए कि सिंगल भी है फिर भी आप प्रोडक्ट यहाँ रखेंगे तो भी दिक्कत है। जैसे मान लीजिए कि मैं सिटी को रख दिया, मेरे पास सिटी जो है बहुत ज्यादा है, तो इस तरह से इस कॉलम बाइज एक तो यहाँ कि आपका 365 है उससे ज्यादा के यहाँ पे कॉलम नहीं आएगा पहली बात, और दूसरी बात आता है तो यदि कितना बड़ा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, इसको नेविगेट करने में, देखने में, प्रिंट आउट लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या करेंगे इसके, तो इसके लिए अगर ज्यादा डेटा है तो उसको आप रो के नीचे सब हेडिंग में डाल दीजिए। इसका एक और बेनिफिट है जैसे आप देखिए कोलैप्स और एक्सपेंड होता है, यहाँ पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे तो ये आपका जो एक बार यहाँ पे कोलैप्स कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं, ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके हेलो, अगर आप ऐसा तभी यूज करें जब इसको पिवट टेबल के फॉर्म में ही भेजना, पिवट टेबल के फॉर्म में ही, क्योंकि अगर इसको कॉपी करके किसी और सेल, मान लीजिए कि आप जनरली लोग कॉपी करते हैं और उसको किसी और सीट पे रखते हैं, किसी और सीट पे इसको पेस्ट किया आपने, जैसे यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर दिया ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा नेम कौन सा और सिटी डिपार्टमेंट कौन सा है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों अलग अलग कॉलम में हो, उसके कई तरीके हैं। एक तो डिजाइन में आप जा सकते हैं, यहाँ रिपोर्ट लेआउट में, या टेबलर फॉर्म कर सकते हैं, या फिर पिवट टेबल ऑप्शन में जाके डिस्प्ले में जाके यहाँ पे पिवट टेबल क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक हो गई कि इसको अगर हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं,
डेटा तो आ रहा है, मतलब कि आपने डेटा को मान लीजिए कि हम यहाँ से कॉपी किए और हम इसको पेस्ट कर देते हैं, अब प्रॉब्लम होगा कि इस पे फिल्टर लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ उससे मेरा ए दिखेगा, ए दिखेगा नहीं, क्योंकि पिवट को तो पता है पिवट में फिल्टर सारा इनवॉल्व आ जाएगा, बट यहाँ पे तो सिर्फ ही आएगा। सो मैं चाहता हूँ कि इसको नीचे तक इस तरह से ड्रैग हो जाए, और जब पूजा टोटल है ना टोटल हट जाए कि हर टोटल आ रहा है वो भी दिक्कत होती है, तो टोटल हटाने के लिए राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से सब टोटल पे क्लिक कर दीजिए, आपके टोटल हट जाएंगे। और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक नहीं, यहाँ पिवट टेबल के डिजाइन पे जाइए, रिपोर्ट लेआउट में आपको दिखेगा रिपीट ऑल आइटम लेवल, रिपीट ऑल आइटम लेवल हो गया। लेकिन बता दो सिर्फ 2010 ऑनवर्ड है, 2007 में नहीं है, ध्यान रखिएगा। मुझे इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक गैप भी चाहिए, तो पिवट टेबल के डिजाइन में इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, तो हर आइटम इसने एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर दिया। अगर मान लीजिए ऐसा है आपको सबको हटाना है तो यहाँ पे डू नॉट रिमूव ब्लैंक लाइन और यहाँ पे डू नॉट रिपीट, मुझे इसको मर्ज करना है, रिपीट के जगह पे क्या करना है मर्ज करना है, इसको सिलेक्ट करके मैं चाहता हूँ मर्ज करना, तो उस केस में हम डायरेक्ट यहाँ से मर्ज, अगर हमने यहाँ से डायरेक्ट मर्ज किया तो दिक्कत होगा, तो डायरेक्ट मर्ज नहीं करना चाहता हूं। तो क्या करें, तो राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शन और यहां आते हैं मर्ज एंड सेंटर विथ लेवल, मर्ज एंड सेंटर विथ लेवल एंड ओके कीजिए, ये आपका डेटा मर्ज कर दिया। तो इस तरह से मर्ज कर सकते, अरे ये कहाँ पर है ऑप्शन में, राइट क्लिक करके पिवट टेबल, राइट क्लिक करके, और मर्ज सिर्फ इसी को नहीं करेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने सेल्स मोड को लिया और यहाँ रख दिया, तो यहाँ तक कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्वांटिटी रखूंगा या एमआरपी रख दिया मैंने, तो देखिए यहाँ भी मर्ज हो गया, दिख रहा है आपको सर। अब मैं मान लीजिए पिवट टेबल, पिवट टेबल के डिजाइन में जाता हूँ और जो मैंने फॉर्मेट तैयार कर रखा है उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, अब बेटर लग रहा है ना पहले से। तो ये बना मर्ज वाला ऑप्शन, अब सम ऑफ क्वांटिटी है तो यहाँ पे आप एक किसी एक को कर दे क्वांटिटी कर दीजिए, अब क्वांटिटी तो लेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी है, तो एक स्पेस दे दीजिए सारा क्वांटिटी हो जाएगा, ऐसे एम आर पी स्पेस दे दीजिए पूरा एम आर पी हो जाएगा, और ज्यादा आपका रिपोर्ट का फायदा होगा। अब क्वेश्चन और आता है कि जब भी हम रिपोर्ट बना लेते हैं, मान लीजिए रिपोर्ट कोई बना ली है इसी को, अब मुझे पता करना है कि इसी पे आता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल्स मोड दिया, इस पे क्यों आ रहा हूँ मैं, ये इसी पे चला, चलिए क्वांटिटी। अब ये देखिए आपका एच डी है, तो अब मुझे पूजा ने एच डी को मैंने को बेचा है एफिलिएटेड से, मुझे इसका डेटा चाहिए, तो इसके लिए मुझे पिवट टेबल में जाके फिल्टर लगा के डेटा निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालूंगा, बस इस पर डबल क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक कर दिया, एक नई सीट पे मेरा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इसका यूज हम डेटा सेपरेशन के लिए भी कर सकते हैं कि डिफरेंट फील्ड से आपको डेटा अलग करना है तो आप ठीक है। ओके ओके सर, तो पिवट टेबल में ये हमारा डेटा समराइजेशन, क्या पिवट टेबल को डेटा समराइज कैसे करेंगे ये हम आपको सिखाया। अब इसमें एक चीज और, ब्लैंक सेल्स है, मैं चाहता हूँ ब्लैंक जीरो हो जाए या कुछ और आ जाए, तो पिवट टेबल ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे
फोर एन पिट्टी से जीरो कर दीजिए, या कोई टेक्स्ट भी लिखना चाहते हो तो कोई टेक्स्ट भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, तो ये चीज आप अपना अपने हिसाब से कर सकते हो। अच्छा, आप लोग कहूंगा कि मेरा सेम बैच रात को 8 बजे भी चलता है, तो जो लोग रात को 8 बजे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, सेम आईडी सेम। मैच अगर छूट जाती है तो शाम में आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। होता है ना किसी लोग, दो लोग आज नहीं है, आज जिनेश जी नहीं है और सुनील जी नहीं है, तो दिमाग में कभी सो मूड नहीं किया कि सुबह सुबह सूत के उठे, तो कोई बात नहीं, शाम में सेम टॉपिक चले। ठीक है। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि हम लोग जो फेवरेट टेबल पे अगर मैं कभी फॉर्मूला लगाता हूँ जो फिर उसको एवरेज निकालता हूँ, तो वो ना मतलब जब उसको नीचे ड्रैग करता तो वो काम नहीं करता, तो कुछ ऐसा है कि जो हम उसको रिजोल्व कर सकें? वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। हेलो, वो हम आगे कल कल या परसों क्लास में समझा देंगे, कैलकुलेशन आपकी क्लास में है ना सर? ठीक है सर, ठीक है। तो आज के इतना, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं कल। श्योर सर, श्योर।